असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा रामगढ़ इलाके में आयोजित की गई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई पहलुओं पर ओवैसी ने जनता को संबोधित किया। पेश है ये रिपोर्ट। जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, अब आप बताइए कि जब से यहां पर बीजेपी की सरकार बनी, एक महंत को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि योगी आदित्यनाथ महंत हैं या मुख्यमंत्री हैं, समझ में नहीं आता। एक तरफ तो उनकी पार्टी का एक एमएलए कहता है, विधायक कहता है कि ताजमहल इस मुल्क के ऊपर एक दाग है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लखनऊ में कहते हैं कि मुगलों का दौर डाकुओं का दौर था, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ताजमहल का हमारी भारत की संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं है। तो भैया फिर कौन सी हमारी संस्कृति हमको बताओ। फिर ताजमहल अगर नहीं है तो कभी लाल किले पर मोदी झंडा क्यों लहराते तिरंगे को? वो लाल किला भी तो इन्हीं गद्दारों ने बनाया ना, हमारे ही असलाफ ने बनाया ना। 500 साल पहले ताजमहल लाल किला बनाया गया, मगर आज भी उसको गद्दारों की निशानी कहते हैं। बताइए आप, हिंदुस्तान की आजादी में तो हमने अपना खून पसीना बहाया, 57 की जंग आजादी हमारे उलमाओं के फतवों से शुरू हुई, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने शुरू की, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काला पानी की सजा काटी, अपनी जान दे दी, मगर सावरकर की तरह अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों को चार चार माफीनामे का खत लिखकर नहीं दिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि मैं मौत से बगैर हो जाऊंगा, मैं मौत को चूम लूंगा, मगर अंग्रेज सरकार को खत नहीं लिखूंगा कि मुझे माफ कर दो। इसको कहते हैं गद्दारों की निशानी। अच्छा, हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री झाड़ू लेकर पहुंच गए ताजमहल। क्या बात है, कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं तो फिर झाड़ू लेकर चले गए? हम तो मुख्यमंत्री से ही कहेंगे कोई ऐसी झाड़ू बनाइए जिससे आपके पार्टी के लोगों के दिमाग में जो जाले हैं मुसलमानों के, वो साफ हो जाए। वो सही काम होगा। ताजमहल के अंदर जाकर झाड़ू मारने से मुख्यमंत्री जी ताजमहल की खूबसूरती में आप इजाफा नहीं कर सकते। ताजमहल की खूबसूरती सबसे बेहतर है। झाड़ू लगाना है तो जाओ अपने पार्टी के जिम्मेदारों के दिमागों में लगाओ। अब तो आरएसएस बोल रही है कि ताजमहल में हमको पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि वहां नमाज होती है। अब आप बताइए क्या क्या ये लोग करेंगे अल्लाह को मालूम। ये हर चीज नई नई कर रहे हैं। अच्छा किया आपने दिवाली मनाई अयोध्या में, मगर मेरे भाई जो बात सामने आई वो ये है कि हजारों दिए जलाकर अयोध्या में दिवाली मनाई गई, मगर जो तस्वीर हिंदुस्तान की आवाम के सामने आई वो ये थी कि दिया तो मुख्यमंत्री और बीजेपी की गवर्नमेंट जलाकर चले गई, उसके दूसरे दिन एक गरीब औरत उन दियाओं से तेल को निकाल रही थी कि क्यों निकाल रही थी? क्योंकि गरीब है, उसके घर में चूल्हा जलाने के लिए उन दियाओं से तेल जला रही थी। मुख्यमंत्री और मिस्टर मोदी, अगर आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये आपकी हुकूमत सरकार क्या कर रही है? एक गरीब औरत उन जले हुए दियों से तेल को निकाल रही ताकि उसका पेट भर सके। फिर आप देखिए कि बीजेपी के सरकार ने, इनके मंत्री ने विधानसभा में ये फिगर दिए 9 मई को कि 2 महीने में माशाल्लाह योगी सरकार के दौर में 729 कत्ल हुए, सिर्फ 729, सिर्फ 803 रेप हुए, 60 डकैती के वाकयात, 799 लूट के वाकयात,
और सिर्फ 2680 किडनैपिंग के वाकयात हुए। भाइयों बहनों, इतना ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन आ गए, कोई पूछने वाला नहीं, मगर सरकार है और चल रही है। जीएसटी तबाह तराश करके रख दिया फिरोजाबाद के कांच के शीशे के कारोबार को, जीएसटी तबाह बर्बाद करके रख दिया, नोटबंदी तबाह बर्बाद करके रख दी। हर चीज में मोदी सरकार नाकाम साबित हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके पास तो ना कोई पॉलिसी है ना प्रोग्राम है, बस मोदी साहब को सुबह होते ही वो देखते हैं कि कहां मुझे माइक मिल जाए और मैं देशवासियों के सामने कुछ बोल जाऊं। मुझे यहां पर एक किस्सा याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महंत बन गया। बताओ आप फिर क्यों जिम्मेदार है इसका? क्या कभी आपने पूछा समाजवादी कांग्रेस से कि बताओ ये कैसे बीजेपी इख्तदार पर आ गई? मंजलिस यासुद्दीन अवैसी तो 25 सीट पर चुनाव लड़ी। पूछो कभी इन लोगों से कि तुम्हारा वोट कहां चला गया? पूछो इन समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव साहब से जो लोकसभा और राज्यसभा में अपने 25 साल के तकमील पर मिस्टर मोदी को दावत देते हैं। पूछो उनसे कि भैया क्या हो गया ये? कोई जवाब नहीं देंगे और एक ही जवाब देंगे कि देखो वो लंबा सर का शख्स आएगा, शेरवानी पहनकर, सर पर टोपी है, दाढ़ी है, उससे बच के रहना। मोदी की दाढ़ी से डर नहीं, ओवैसी की दाढ़ी से डर है। मोदी के घर में शादी हुई तो राम गोपाल साहब सोफे के ऊपर बैठ गए, सोफे पर भी नहीं बल्कि जो सोफे के बाजू जो हाथ रखने का जगह होती है वहां पर बैठकर सेल्फी ली है। और फिर यहां आकर बोलते ओवैसी की बातों में मत आओ, मंजलिस के बातों में मत आओ, अपना वोट डिवाइड मत करो। क्या किया आपने फिरोजाबाद के लिए? क्या किया? हां आपने अपने चमचों के लिए किया होगा जरूर, मैं मानता हूं उसको। जो अपनी दुम हिलाते होंगे तुम्हारे सामने, जो अपना ईमान और अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाती है।